शाम हनुमान नगर में धामन प्रजाति का जहरीला सांप सर्पमित्र की सतर्कता से पकड़ लिया गया। सर्पमित्र की माने तो यह धामन प्रजाति का होने के साथ ही बारिश के दिनों में अधिक देखा जाता है। ऐसी बात भी इस दौरान सर्पमित्र दीपक निषाद ने कही। गुरुवार को हनुमान नगर के एक घर में धामन प्रजाति का जहरीला सांप मिलने से परिसर में खलबली मच गई, लेकिन इस सांप को सर्पमित्र की सतर्कता से बचा लिया गया। बारिश के दिनों में अलग अलग प्रजातियों के सांप आए दिन परिसर में देखने को मिलते हैं। झाड़फूक जैसे सांप काटता है, बाइट होती है, तो झाड़फूक नहीं कराना है, क्योंकि जैसे अगर जहरीला सांप नहीं काटा तो आदमी की जान वैसे भी बच जाती है। झाड़फूक कराएंगे तो भी बचेगी, नहीं कराएंगे तो भी बचेगी, और जहरीला सांप अगर काटता है तो फिर सीधा मेडिकल में जाना है, गवर्नमेंट बनी। उसके लिए जो अपना हाथ रहता ना, जैसे अपने को जहाँ भी बाइट होती है उसके ऊपर में पड़ता है। आपको बता दें कि सांप निकलने पर तुरंत सर्पमित्र की सलाह लेनी चाहिए, सर्पमित्र को बुलाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मौतें दहशत में होती हैं। स्नेक बाइट के मामलों में लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूंक में लग जाते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। सांप दिखाई दे तो उसे मारने की बजाय उसे एक्सपर्ट से पकड़वाना चाहिए। इन बीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।